बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब घोटाला सामने आया है। 65 साल की शांति देवी के खाते में 13 महीनों में 6 बार नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राशि जारी हुई। इस स्कीम के तहत गर्भवती महिला को 1400 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। हालांकि शांति देवी का कहना है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है, पैसे जब भी क्रेडिट हुए उसके अगले दिन ही निकाल लिए जाते थे। मामला जब मीडिया में उछला तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच बिठा दी। ऐसी ही घटना मुजफ्फरपुर की ही लीला देवी के साथ भी हुई, जिनके खाते में 13 महीने में 8 बार पैसे आए और एक बार तो एक ही दिन में 2 बार पैसे आए। शांति देवी की ही तरह लीला देवी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बैंक कर्मी बताते हैं कि फिंगरप्रिंट के बगैर खाता धारकों के अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते।